एक दिव्यांग व्यक्ति को जिंदा रहते हुए एक सचिव ने मृत घोषित कर दिया। मामला छतरपुर जिले से सामने आया है। जनपद पंचायत बड़ा मलहरा की ग्राम पंचायत बमनौरा कला से एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक दिव्यांग महिला को तत्कालीन सचिव के द्वारा 4 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया, जिससे दिव्यांग गरीब का लगातार लंबे समय से राशन और तमाम योजनाओं से वंचित रहना पड़ा। आपको बता दें कि बमनौरा कला निवासी भग्गूपाल तनय दोलापाल की उम्र 53 साल है, जिसको ना तो कानों से सुनाई देता है और ना ही हाथों से वह कोई काम कर पाता है, क्योंकि उसके हाथ थ्रेसर से कट गए थे। पीड़ित की स्थिति भी काफी दयनीय है, लेकिन उसे शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसे मृत घोषित कर दिया गया है। कागजों में मृत घोषित इस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं कि उसे पंचायत के सचिव ने मृत घोषित कर दिया है। अब यह व्यक्ति अपने जिंदा होने के सबूत लेकर घूम रहा है और शासन से इस मामले की जांच की मांग कर रहा है। क्या समस्या हो गई? अरे हमारे गांव में भैया ये बग्गू पाल है ना, इनकी आर्थिक स्थिति ना बहुत ख़राब है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर गांव में किसी की कही जाए तो इनकी सबसे मतलब इनके जो बच्चे हैं 3-4, 4-5 बच्चे हैं, और इनकी स्थिति ना खेती ना कुछ है। और जो अपने सेक्रेटरी साहब हैं उनने इनको 2020 में 1/12/2020 को मृत घोषित कर दिया है ना। तो हम चाहते हैं शासन से, हम यही गुजारिश करेंगे कि इनके साथ नहीं आए। धन्यवाद। मजन पाल, हमारे चाचा को 4 साल से राशन पानी नहीं मिल रहा है, भग्गू पाल को, और सचिव ने 4 साल पहले मृत्यु घोषित कर दिया है। कुछ सहकारी योजना नहीं मिलती है।